पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं नीति नहीं चलेगी नहीं चलेगी गोरी नीति नहीं चलेगी गोरी नीति नहीं चलेगी गोरी नीति नहीं चलेगी पाकिस्तान 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 गोरी नीति नहीं चलेगी गोरी नीति नहीं चलेगी गोरी नीति नहीं चलेगी गोरी नीति नहीं चलेगी पाकिस्तान शहबाज शरीफ शहबाज शरीफ हाय हाय पाकिस्तान 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 भैया भैया पाकिस्तान कश्मीर के पुलवामा में एक बार फिर आतंकियों ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को निशाना बनाया, लेकिन इन सब के बीच आप देखें कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के साथ साथ यहां पर शिवसेना डोगरा फ्रंट और अन्य संगठन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ यहां पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का यहां पर पुतला जो है वो यहां पर फूंका जा रहा है और आप देखिए कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, लगातार पाकिस्तान टारगेटिंग किलिंग कर रहा है कश्मीर में? देखिए, पाकिस्तान टारगेट किलिंग जो कर रहा है, सबसे पहले तो मैं उसकी कड़े शब्दों में भत्सना करता हूँ, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं है। पर पाकिस्तान ने जो टारगेटेड किलिंग की है उसके पीछे का मकसद क्या है? मकसद बहुत साफ है, वो अपने देश की अर्थव्यवस्था की जो हालात खराब हुई है उसे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। 42% की वहां पर इन्फ्लेशन है, 250 रुपए लीटर वहां दूध बिक रहा है, 750 रुपए किलो वहां पर चिकन बिक रहा है। वहां के अंदर जो एक सुजुकी कंपनी है उसने गाड़ियां बनाना बंद कर दी है और पाकिस्तान की इन्फ्लेशन इसी हिसाब से बढ़ रही है कि वहां के लोगों का दाल रोटी और चावल तक खाना मुश्किल हो गया है। अरे आप खुद हिसाब लगाइए, हिंदुस्तान का जो बजट है उसका 11% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो रक्षा को जाता है, उस देश का 45% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो आर्मी को जाता है और उस बजट के अंदर हर साल 11% नेता ऐसे बोलते हैं कि बातचीत करिए पाकिस्तान से। जो नेता ऐसे बोलते हैं जो बातचीत करिए, वो वीजा लेके जाएं, बॉर्डर पर खुद जाके बातचीत कर ले। हिंदुस्तान बातचीत नहीं करेगा, वो हमारे लोगों को मार रहा है, हम बातचीत करेंगे? ये कौन सी नीति है? मतलब आपकी सोशल पॉलिसी फेडरल पॉलिसी ये होनी चाहिए कि आपके लोगों का हित सबसे सर्वोपरि होता है और जो देश हम पर हमला कर रहा है मुझसे जाके बातचीत करे, ये कभी नहीं होगी। पाकिस्तान कंगाल है, 23वीं बार IMF के पास भीख मांगने गया है और उस देश की इकोनॉमी में इकोनॉमिक्स नाम की चीज ही नहीं है। जिस देश का 45% बजट आर्मी को जाता हो ना, उस देश में सोशल वेलफेयर नाम की कोई स्कीम नहीं चल सकती। तो साफ तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो जम्मू के अंदर किया जा रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग संगठन जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुतला है वो भी यहाँ पर फूंका जा रहा है और साथ में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उनका यहाँ पर पोस्टर जो है वो जलाया जा रहा है। साफ तौर पे यहाँ पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अब आतंकवाद को भारत सरकार और सुरक्षा बल यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे और अंतिम चरण पर कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवाद चल रहा है और उसको जल्द खत्म किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो जम्मू में हो रहा है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।